का जो दिन है पूरा भारतवासियों के लिए भी और पूरे देश के लिए, अन्य देशों के लिए भी, जो अपने समाज के लोग हैं या जो भारत के लोग हैं, सब अति उत्साह में है। आज यह बहुत खुश है। राम तन में राम, भारत के कण कण में राम। राम एक ऐसा शब्द है ढाई अक्षर का, जिसके सुनने से शरीर में मिथिलांचल क्या पूरे देश में खुशी की लहर है। हम माननीय मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि राम अयोध्या का मंदिर बनाकर और रामलला का स्थापित करके जो काम किया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के दुर्गा मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधा प्रसारण लाइव हो रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अयोध्या में चलने वाले कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बराबर यहाँ चेयर लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं अपने अपने चेयर के पर बैठकर इस न्यूज़ का, अयोध्या उत्सव का मज़ा ले रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से कि आखिरकार यह कब तक चलेगा ये प्रोग्राम। हम बात करते हैं सबसे पहले भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे, आप जानते हैं सर, स्वागत है आपका। परिचय दे दीजिए। शंकर झा जिला अध्यक्ष भाजपा मधुबनी। उत्सव प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं आप, अयोध्या के प्रोग्राम को मधुबनी में बैठकर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? आज का जो दिन है पूरा भारतवासियों के लिए भी और पूरे देश के लिए, अन्य देशों के लिए भी, जो अपने समाज के लोग हैं या जो भारत के लोग हैं, सब अति उत्साह में है। आज यह बहुत खुशी के दिन है और आज का दिन आने वाले पीढ़ियों को याद हो रहेगा। और ग्रामीण स्तर पर जितने हमारी माताएं हैं, बहनें हैं या समाज के लोग हैं, गांव और गली में जितने मंदिर हैं, मधुबनी में लगभग 512 मंदिरों का हम लोगों ने छोटी बड़ी मंदिरों का चयन किया, जिसमें 52 बड़े मंदिर हैं। सभी जगह समाज स्वतः अपने सहयोग से इस उत्साह के वातावरण में श्री राम जी के आराध्य के लिए अपने अपने स्तर से पूजा पाठ कर रहे हैं। कहीं रामायण हो रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ, मतलब पूरा वातावरण राममय है और भक्तिमय है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन। धन्यवाद सर। सर अपना परिचय देंगे? जी, संजय पांडे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। सर क्या कहेंगे आज इस खुशी के अवसर पर? मन में राम, तन में राम, भारत के कण कण में राम। राम एक ऐसा शब्द है ढाई अक्षर का, जिसके सुनने से शरीर में ऊर्जा आती है, जिसके सुनने से शरीर में बल आता है और जिसके सुनने से संस्कार आता है। और राम ही एक ऐसा शब्द है जिसको जन्म के बाद लोग उसके कान में गार्जियन करते और मरने भी लगता है तो राम नाम सत्य होता है। यह राम शब्द। मान लीजिए एक सवाल करेंगे, रामलला की बात की जाए, अगर राम श्री राम की बात की जाए तो मिथिलांचल में हम हैं, मिथिलांचल से कैसा रिश्ता है उनका बता दें। देखिए, मिथिलांचल ऐसा जगह है, ऐसा पवित्र भूमि है, जो रामलला यहाँ जिनका विवाह हुआ माता जानकी से, और यहाँ के हर व्यक्ति को दशरथ जी को गाली देने का राइट है, उसके अलावा शिव को भी यहाँ के लोगों को गाली देने का राइट है। दामाद है मिथिलांचल के, मिथिलांचल के दामाद है और तमाम परंपरा जितना भी दामाद के गृह प्रवेश का होता है या मिथिलांचल के लोगों ने किया, यह उत्साह मिथिलांचल वैसे तो पूरे विश्व में है, भारत के जितने भी लोग हैं सभी लोग उसी राम के संतान हैं, चाहे वह किसी धर्म के कारण उन्हें फॉलो करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या हुआ? ध्रुव नारायण त्रिपाठी। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ आज हम लोग मधुबनी के लोग भी काफी उत्साहित हैं। मैसेज भी दीजिएगा। मैसेज क्या, आज पूरा दिवाली मनाया जा रहा है, दिवाली मनाया। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? जगंदर यादव, भाजपा जिला महामंत्री। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन का? आज 500 वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी और न्यायालय के फैसला के अनुसार क्या कहते हैं, रामचंद्र जी अपने घर में आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर में जितने भी सनातनी है उसमें हर्षोल्लास का माहौल है और सभी लोग आज सुबह से अपने अपने घर को सजा रहे हैं, घर का साफ सफाई कर रहे हैं, उसको
पोछा लगा रहे हैं, अपने अपने घर में कुल इष्ट देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की आराधना कर रहे हैं, राम रक्षा स्तुति का पाठ कर रहे हैं और सब लोगों की आज मनोकामना पूर्ण होने वाले हैं श्री राम जी के कृपा। धन्यवाद। मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष मधुबनी, रामलला के आगमन 500 वर्ष के बाद हुआ है और हमारे मिथिलांचल क्या पूरे देश में खुशी की लहर है। हम माननीय मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि राम अयोध्या का मंदिर बनाकर और रामलला का स्थापित करके जो काम किया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद।